इज मुकेश हेयर, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ये देखेंगे कि मेनू कैसे बनता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो मेनू बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है, हम लोग एल्स इफ लेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि एक मेनू बनता कैसे है, बार बार उस मेनू को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, मेनू को में से ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम आज समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, हम पहले आपको बता दें कि आपको मेनू बनाने के लिए कम से कम स्विच केस और एल्स इफ लैडर में से दोनों एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक ही हम क्यों बोल रहे हैं, वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऑप्शन मल्टीपल होता है मेनू में और उसमें से आपको सिलेक्ट किसी एक को ही करना है, दोबारा चेक करने की जरूरत ही क्यों है। तो स्विच केस और एल्स इफ लैडर दोनों इसी पर्पस के लिए होता था, ये आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि स्विच केस भी कहता है कि मल्टीपल केसेस में से कोई एक केस को ही रन करवाएंगे। ठीक है, और एल्स इफ लैडर भी कहता है कि मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ही रन होगा, जो कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद का सारा कंडीशन स्किप कर जाता है। ठीक है, इसलिए स्विच केस और एल्स इफ लैडर दोनों में से कोई भी यूज करके आप मेनू बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से ये मेनू बनता है। चलिए फिर चलते हैं कंप्यूटर पे, आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से हम मेनू बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम लोगों को कैसे सिलेक्ट करना होगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेनू जो बनाएंगे ना, उस मेनू में हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक कुछ सर्टेन ऑपरेशन करने का हम एक मेनू बनाते हैं, जैसे एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, और यूजर अपना चॉइस देगा कि उसको परफॉर्म क्या करना है। अगर उसे एडिशन करना है तो उस बोलेंगे उसको प्रेस वन करो, अगर उसको सब्ट्रैक्शन करना है तो प्रेस टू करो। तो इस तरह से हम लोग मेनू बनाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशन रहेगा तो कोई एक ऑपरेशन यूजर सिलेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए फिर तो यहां पे हम बात करते हैं, इंक्लूड कर लिए std.io.h इंक्लूड conio.h देन void main। चलिए देन यहां पे हमें वेरिएबल चाहिए, एक a ले लेते हैं b, दो नंबर इनपुट के लिए क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन दो नंबर पे होगा, और देन एक वेरिएबल ले लेते हैं ch choice इनपुट करने के लिए, और एक रिजल्ट स्टोर करने के लिए r ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए clrscr यूज कर ले। ठीक है, देन यहां पे लिखे printf, ऑप्शन अब दे देते हैं प्रेस वन फॉर एंड printf प्रेस टू फॉर सब्ट्रैक्ट printf प्रेस थ्री फॉर मल्टीप्लाई printf प्रेस फोर फॉर डिवाइड। चलिए ओके, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया देन। अब उसको बोलते हैं क्या कि अपना जो तुम्हारा चॉइस है वो इंटर करो, ऑप्शन अपना सेलेक्ट करो। ठीक है, तो देन यहां पे एक मेनू दे दें, और अगर आप चाहते हैं एक मेनू देना कि अगर कोई नहीं काम करना चाहते हैं तो एग्जिट का ऑप्शन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं प्रेस फाइव फॉर एग्जिट। ठीक है, ओके, चलिए हमने ऑप्शन यहां पे सारा तैयार कर लिया, उससे यूजर से मांग लेते हैं प्रिंटिव सिलेक्ट योर ऑप्शन। ओके, चलिए ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, ऑप्शन को इनपुट ले लेते हैं सीएच में, scanf परसेंट डी स्लैश एन, क्योंकि ऑप्शन मेरा सारा इंटीजर है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा सारा इंटीजर है तो हम ऑप्शन इनपुट लेने के लिए जो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे ch, वो भी इन टाइप का ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ हम ch लगा देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर देते हैं कि वो ch में इनपुट क्या किया। अब समझिए यहाँ पे, जैसे अगर ch में इफ लगाएंगे या स्विच लगाइए, आपको दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। चलिए हम स्विच यूज कर लेते हैं, स्विच में ch का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या देखें कि केस, ठीक है,
वन, अगर सी एच का वैल्यू अगर वन से मिलता है, सी एच इज द वेरिएबल, समझ में आ रहा है, यूजर इनपुट करेगा उसमें वैल्यू, यूजर अगर इनपुट उसमें वैल्यू करेगा तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो किससे मिलेगा, वन मिलेगा तो ऊपर मेनू में क्या है एडिशन का, तो दोनों नंबर का क्या होना चाहिए था, एडिशन होना चाहिए था ना, तो दोनों नंबर का हम एडिशन कर लेंगे, दोनों नंबर का एडिशन करेंगे तो दोनों नंबर मुझे इनपुट चाहिए और आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट नहीं लिया है, तो हर एक केसेस में आप इनपुट ले सकते हैं ठीक है, नहीं तो इनपुट एक बार में ही कर ले, ऐसा कर सकते हैं, तो इनपुट अगर एक बार में कर लेना तो ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऊपर इनपुट ले दोनों नंबर का, यहीं पे प्रिंटफ इंटर टू नंबर, टू नंबर हमने इनपुट ले लिया, देन स्कैनफ परसेंटी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, चलिए ओके हमने इनपुट लिया। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने केस वन रखा ठीक है, और केस वन में एडिशन का ऑप्शन है तो आर इक्वल टू हम ए प्लस क्या कर लें बी ओके, और देन ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक क्यों लगाते हैं आपको पता है किस स्विच के अंदर, देन यहाँ पे हम केस टू रख ले, देन लिखे यहाँ पे आर इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि टू में जो ऑप्शन हम दिए हैं वो सब्ट्रैक्शन का दिए हैं, देन यहाँ पे क्या लगा दिए ब्रेक, देन यहाँ पे केस थ्री ओके, देन यहाँ पे आर इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे बी ठीक है, और देन यहाँ पे ब्रेक लगा दिए ओके, और देन यहाँ एक और है केस आपके पास फोर, फोर में डिवाइड का ऑप्शन है आर इक्वल टू ए बाई बी ओके, देन यहाँ पे ब्रेक लगा ले, क्लियर है, और एक केस फाइव में हमने जो दिया है वो ऑप्शन क्या है एग्जिट करने का, एग्जिट करने के लिए एक लाइब्रेरी में प्रोडक्ट है, लाइब्रेरी फंक्शन है दैट इज द एग्जिट फंक्शन, तो एग्जिट फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया ठीक है, चलिए और हमें कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई केसेस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डिफॉल्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि अगर आप इनवैलिड चॉइस इनपुट करना चाहते हैं कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो इनवैलिड है तो आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एग्जिट प्रोग्राम से ही बाहर कर देता है ठीक है, एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से ही बाहर कर देगा ठीक है, तो ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं बनता है यहाँ पे कि हमको स्विच से बाहर नहीं निकलना है, अगर फाइव प्रेस करता है तो एग्जिट डायरेक्टली बाहर कर देगा प्रोग्राम से ही, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रख लेते हैं केस, हम क्या रखते हैं यहाँ पे केस नहीं रखते हैं डिफॉल्ट रख लेते हैं डिफॉल्ट, अगर ऐसा ना है तो एक ऑप्शन हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंटिफ, और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं इनवैलिड इनवैलिड सिलेक्शन, इनवैलिड सिलेक्शन आपने जो सिलेक्ट किया है ऑप्शन वो इनवैलिड है, वो मेरे पास ऑप्शन मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव में से कोई दूसरा स्विच प्रेस कर दिया, सिक्स प्रेस कर दिया, एट प्रेस कर दिया तो हम क्यों रन तो होगा नहीं, चलिए तो देन यहाँ पे हम इस स्विच को हम बंद कर रहे हैं ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हम इस स्विच को बंद कर दिया और देन बाहर निकलते हैं और देन यहाँ पे गेट के स्विच कर लेते हैं ठीक है, और देन यहाँ पे इसको बंद कर लिया, चलिए देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हमने पूरा लिखा अच्छे से वन बाई वन, चलिए इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल है यहाँ पे देखिए एक एग्जिट फंक्शन से रिलेटेड इरर आ रहा है, इरर क्यों आ रहा है, वो इसलिए इरर आ रहा है क्योंकि ठीक है क्योंकि एग्जिट फंक्शन जिस हेडर फाइल में होता है वो हेडर फाइल को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो ऊपर हमें सबसे पहले वो इंक्लूड करना होगा ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट फंक्शन प्रोसेस डॉट एच में है तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे प्रोसेस डॉट एच को ठीक है, और एक इरर स्टेटमेंट मिसिंग का लग रहा है ठीक है, तो देन और कुछ तो नहीं है कहीं पे भी स्टेटमेंट मिस तो नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं कंपाइल करके ओके ओके, स्टेटमेंट मिसिंग एक जगह दिखा जो कि कहाँ है गेट सी एच के पास, यहाँ पे हमने लास्ट में सेमी कॉलन यूज नहीं किया, चलिए ओके नो एनी एरर, आर ए साइन वैल्यू बट नेवर यूज ठीक है, अब यहाँ पे एक यहाँ पे वार्निंग है दैट इज नॉट द एरर वार्निंग है,
और सबसे पहला चीज आर को वैल्यू हमने प्रिंट भी नहीं करवाया है, तो मुझे क्या करना होगा, प्रिंट करा लेना होगा। तो देन यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं, कोई भी केस होगा आर का वैल्यू मेरे पास प्रिंट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन आर, ठीक है। चलिए अब आपको लग रहा है सर आर तो आपने यूज किया है लेकिन वार्निंग क्यों दे रहा है। अब यहाँ पे सोचिए वो इसलिए दे रहा है वार्निंग क्योंकि आर जब भी है आर को यूज किए तो किसी कंडीशन के अंदर, अगर आर ये वाला यूज होगा कब, जब केस वन सही होगा या टू सही होगा, थ्री सही होगा, फोर सही होगा, तब तो आर यूज होगा नहीं। तो कंपाइलर ये श्योर नहीं कि आर यूज किया है या नहीं किया है, वो तो रन करेगा और आप जो ऑप्शन दीजिए उसके बाद आर यूज होगा, ठीक है। तो ये वार्निंग आ रहा था, इसलिए वार्निंग आ रहा था, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को रन करवाते हैं। चलिए इंटर टू नंबर हम डाले 12 और देन यहाँ पे हम 6 इनपुट किए, दो नंबर इनपुट कर लिए, क्लियर। चलिए तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन मेरे पास आया प्रिंट होकर, ऑप्शन मेरे पास प्रिंट होकर आया, तो अब इसमें से ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब सोचिए यहाँ पे कंप्यूटर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो 1x1 होता है, ठीक है। 1x1 करने का मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में ही पढ़ता है, फिर अगला इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने जो मेनू सिलेक्ट किया यहाँ पे, मान लीजिए 1 आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, 1 आपने सिलेक्ट किया, तो आपके पास 12 और 6 का आउटपुट यहाँ पे 18 आया, नो डाउट आ गया। लेकिन अब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इंस्ट्रक्शंस दोबारा इसी मेनू को दोबारा तो आएगा नहीं, क्योंकि एक बार सीक्वेंस ऑर्डर में फ्रॉम बिगनिंग टू एंड कंप्यूटर पढ़ता है इंस्ट्रक्शंस, तो दोबारा ये मेनू फिर से वापस नहीं आएगा कि हम दोबारा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सर 2 भी, हम दोनों नंबर में से सबट्रैक्शन भी करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम से बाहर हो गया ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे देखिए किस तरह से रन करता है प्रोग्रामिंग, फिर से हम थोड़ा सा दिखा दे आपको। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखिए प्रोग्राम पॉइंटर किस तरह से मूव करता है। इंटर टू नंबर हमने यहाँ पे 45 दिया और देन हमने यहाँ पे 5 दिया, ठीक है। चलिए दो नंबर दिया और यहाँ पे ऑप्शन सारा देखिए प्रिंट हो रहा है आउटपुट स्क्रीन पे करके। यहाँ पे आपने ऑप्शन इनपुट किया, हमने ऑप्शन इस बार इनपुट किया 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली केस 2 के अंदर गया क्योंकि सी एच का वैल्यू 2 दिया थे, आर इक्वल टू ए माइनस बी, तुरंत इससे ब्रेक है बाहर निकल जाएगा, देखिए बाहर निकाल दिया ना, ओके बाहर निकल गया। बाहर निकलने पर आर का वैल्यू प्रिंट हुआ और गेट सी एच प्रोग्राम का, देखिए लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का लास्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर पढ़ लिया और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये कैसे करेंगे कि मेनू मेरा दोबारा आ जाए, रिपीट हो जाए, तो लूप का यूज करना होगा, आपको लूप का कंसेप्ट लगाना होगा, ठीक है, दोबारा मेनू को लाने के लिए। चलिए हम यहाँ पे लाते हैं, लूप तो आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन जिस चीज को हमें बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है, उसको हमें लूप के अंदर लगा देते हैं। तो ऐसा करते हैं इसे हम एक इनफिनाइट लूप के अंदर लगा दिए, व्हाइल 1 के अंदर, ठीक है, सारा चीज को, क्योंकि ये पूरा रिपीटेशन होना चाहिए, सारा मेनू आना चाहिए बार बार ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, और रिजल्ट भी डिस्प्ले मेरा बार बार होना चाहिए, ठीक है। तो बार बार रिजल्ट डिस्प्ले भी होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि आपको गेट सी एच को भी अंदर लेना होगा, ठीक है। चलिए सारा चीज को हमने मेनू के अंदर डाल दिया, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हम सी एल आर सी आर लगा देते हैं, वो इसलिए कि जब भी मेनू आए तो दोबारा जितना भी सब चीज है सब क्लियर हो जाए, फ्रेश मेनू आ जाए। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, चलिए इंटर टू नंबर, आपने 12 इनपुट किया, आपने इनपुट किया 5। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरह से आपने मेनू के अंदर गया, लूप के अंदर गया, लूप के अंदर जाने के बाद स्क्रीन क्लियर, सारा चीज क्लियर कर दिया, फिर से मेरे पास मेनू आ गया, हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया 1, रिजल्ट इक्वल टू 17, ठीक है, और फिर से मेरा मेनू आ गया। देखिए अब मेनू हटेगा नहीं जब तक आप 5 प्रेस नहीं कीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 प्रेस किया, आप देख सकते हैं रिजल्ट सही आया, हमने यहाँ पे 3 प्रेस किया, आप देख सकते हैं रिजल्ट सही आया, ठीक है। अब ये मेनू नहीं हटेगा ये, क्योंकि लूप के अंदर, वो भी इनफिनाइट लूप के अंदर है, बार बार एक ही इंस्ट्रक्शंस बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ओके। चलिए फिर हम यहाँ पे 5 प्रेस करते हैं, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेनू बनता है, आराम से आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेनू हमने बनाया, बहुत ईजी है, लूप के अंदर हमने डाला, ऑप्शन देना देते गए, और जो आप ऑप्शन दीजिएगा उसी हिसाब से केस लगा दिए। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा जी ऑप्शन प्रेस 1 फॉर एडिशन, तो यहाँ पे केस 1 में एडिशन का ही कोड लिखना है, प्रेस 2 फॉर सबट्रैक्शन, तो केस 2 में सबट्रैक्शन का ही कोड लिखना है। तो इसे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे स्विच के जगह आप else if ladder भी क्या कर सकते थे, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रोग्राम को आप समझ चुके होंगे, आप अच्छे से इसको रन करवाने की कोशिश कीजिए अपने कंप्यूटर पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।